Class, today we are going to start continuous chapter 13 sound. Now today's topic is noise and musical sound. इन दोनों में क्या difference होता है noise में और musical sound में? ठीक है, noise, शोर. Unpleasant sounds are called noise. जो sound हमें अच्छी नहीं लगती है वो sound कहलाती है आपकी noise. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इरेगुलर एंड नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन. मतलब ये बहुत शोर शराबे वाली वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है जो कि हमें पसंद नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास रूम स्पीक टुगेदर, अ नॉइज इज प्रोड्यूस. जब एक क्लास रूम में सारे बच्चे बोल रहे होंगे तो क्या क्रिएट होगा? नॉइज़ क्रिएट होगा, शोर क्रिएट होगा. तो उसे ही बोलते हैं नॉइज़. साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स. जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं बस से, ट्रक से, ये सब साउंड भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड जो है वो हमें अच्छी लगती है सुनने में. साउंड विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर्स इज़ कॉल्ड म्यूजिकल साउंड. जो साउंड हमें सुनने में अच्छी लगती है वो साउंड कहलाती है हमारी म्यूजिकल साउंड, क्योंकि वो हमारे ईयर को प्लीजिंग मतलब अच्छी लगती है सुनने में, इसलिए वो हमें शोर नहीं लगता, वो हमें अच्छा लगता है सुनने में, तो वो हम म्यूजिकल साउंड में लाते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर और पीरियडिक वाइब्रेशंस. मतलब एक रेगुलर वाइब्रेशन में रहती है जिसे सुनने में हमें अच्छा लगता है. एग्जाम्पल, जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, आपने देखा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारे कानों को मतलब प्लीजिंग मतलब एक तरीके का सुकून देती हैं. जो चीज़ें कानों को सुकून देती हैं, रिलैक्स देती हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं. जो हमारे कानों में चुभती हैं उसकी वजह से हमें मतलब हेडेक लगता है, हमें चिड़चिड़ासापन आता है, तो वो चीज़ें हमें नॉइज़ में आ जाती हैं. ठीक, या कोई पर्सन गाना गा रहा है वो भी हमें हमारे लिए प्लीजिंग साउंड होगी. साउंड ऑफ ए पर्सन सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई गाना गा रहा है तो हमें उसकी साउंड भी अच्छी लगेगी. ठीक है, बर्ड्स हैं इनकी साउंड भी अच्छी लगेगी. ये सारे हमारे म्यूजिकल में आएंगे और ये दोनों हमारे नॉइस पॉल्यूशन में आएंगे. ठीक, तो ये है इन दोनों में डिफरेंट. नॉइज है ना अनप्लीजेंट साउंड होती है और म्यूज़िक जो है वो हमारी प्लीजेंट साउंड होती है. नॉइस पॉल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट. ऐसा साउंड जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड साउंड जो हमें चाहिए ही नहीं अपने इन्वायरमेंट में, वही कहलाता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन. इसके कॉज क्या हैं? कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन मीन्स नॉइस पॉल्यूशन कॉज होता है जब व्हीकल्स की साउंड होती है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, पटाखे वगैरह फटते हैं जिसमें आपकी क्रैकर्स हैं, मशीन्स वगैरह चलती हैं, लाउड स्पीकर कहीं पर चल रहा है. इन द नॉइज़, जो घर में नॉइस पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? टेलीविज़न से, रेडियो से, म्यूज़िक सिस्टम जो कि हम हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं उनसे, सम किचन एप्लियंसेस, आपने देखा होगा कभी बर्तन वर्तन गिर जाते हैं उससे भी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, डेजर्ट कूलर्स, कूलर की आवाज़ से, एयर कंडीशनर से, इन सब से भी हमारे क्या क्रिएट होता है? नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं? नींद में परेशान करता है कि नींद नहीं आती है, डिस्टर्बेंस जब तक होता है, हाइपरटेंशन की एक तरीके की टेंशन हो जाती है कि बर्दाश्त नहीं होता वो साउंड में, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. अ पर्सन एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग. कोई लगातार तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा है या कोई तेज़ आवाज़ में मतलब परमानेंटली और टेम्परेरी, या तो वो लगातार तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा होगा या कोई लगातार ये कभी कभी, तो उसकी जो हेयरिंग पावर है वो लॉस कर देगा. ठीक है, मेजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय साइलेंसर्स इन व्हीकल्स. व्हीकल्स के जो साइलेंसर हैं उनको बंद करके, इंडस्ट्रियल मशीन्स को, होम अप्लायंसेस को रिड्यूस करने, यूजेस ऑफ व्हीकल्स की हॉर्न्स वगैरह को जितना कम हो सके उतना कम बजाएं, टीवी को, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम पर सुनना चाहिए हमें. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स एंड बिल्डिंग ऑल्सो हैव द रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन. हमें घर के आसपास और जो रोड्स हैं वहाँ पर क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए. वो क्या करते हैं? नॉइस पॉल्यूशन को कम करते हैं. उसका रीज़न ये, तभी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे रोड्स होती हैं उनके चारों तरफ क्या लगे होते हैं? प्लांट्स लगे होते हैं, ट्रीज लगे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं नॉइस पॉल्यूशन को. ठीक, ये सब आपका नॉइस पॉल्यूशन का पार्ट है जो इस तरह से ये होता है. इन सब चीज़ों में से नॉइस पॉल्यूशन निकलती है. ठीक, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? हेयरिंग लॉस, हम जो है सुनने की क्षमता खो देते हैं. ऑल्सो नोन एज हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज अ पार्शली और टोटली इनएबिलिटी टू हेयर. अ डेफ पर्सन हैज लिटिल टू नो हेयरिंग. पार्शली डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज, इंजरी और एज. ये एक तरीके की बीमारी हो जाती है जब हम नहीं सुन पाते हैं, तो उसके बाद हम साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. जब हमें सुनाई नहीं देता है
तो तब हम साइन लैंग्वेज की हेल्प से समझते हैं कि क्या बात सामने वाला हमसे कह रहा है। तो हियरिंग लॉस जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें सुनाई नहीं देता है। देन उसके बाद हम साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जिस तरह से पिक्चर में दिख रहा है, इन सब अल्फ़ाबेट्स, ये सब किसी न किसी अल्फ़ाबेट्स को बनाते हैं। ठीक, साइन लैंग्वेज ऑल्सो साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो लैंग्वेज दैट यूजेज मैनुअली कम्युनिकेशन टू कन्वे मीनिंग। ये एक्चुअली बात करने के लिए यूज़ होती है। दिस कैन इंक्लूड सिमल्टेनियसली एम्प्लॉइंग हैंड गेस्चर्स, मूवमेंट, ऑरिएंटेशन ऑफ द फिंगर, आर्म्स ऑफ बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे अ स्पीकर्स आइडिया। मतलब जब हम ये लैंग्वेज सीखते हैं तो इसमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल होती है, ये बात करने का एक तरीका होता है, अपनी बात को सामने रखने का एक तरीका है। जब हम बोल नहीं सकते तो हम अपनी बात को जब कोई सुन नहीं सकता तो हम अपनी बात उसको साइन लैंग्वेज से समझा सकते हैं, जिसमें फिंगर्स, आर्म्स, बॉडी और फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। तो इससे सामने जो सुन नहीं सकता वो हमारे एक्सप्रेशन को समझ जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज वो सीखते हैं कि इस लैंग्वेज का ये मतलब होगा या इस फिंगर में ये वो बात कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो साइन लैंग्वेजेस वही लोग सीखते हैं जो सुनाई जिनको नहीं देता। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, एक तरीके की बैटरी है जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, ईयर में यूज़ करते हैं। इट रिसीव साउंड थ्रू इट्स माइक्रोफोन, ये साउंड को रिसीव करता है, विच कन्वर्ट दीज साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको चेंज करता है। ये सिग्नल्स जो है एम्पलीफाइड करते हैं और गिविन टू द स्पीकर्स ऑफ द हियरिंग एड, और वो जो है वो दूसरा जो है वो उसको सुनता है। द स्पीकर्स कन्वर्ट्स दिस एम्पलीफाइड सिग्नल्स बैक इनटू द साउंड, और एम्पलीफाइड सिग्नल्स उसको साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस एम्पलीफाइड साउंड देन सेट टू द ईयर एंड दिस हेल्प्स टू अफेक्ट द पर्सन्स टू हियर इट मच मोर क्लियरली, और ये चीज़ जो है वो उसको सुनने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा जैसे आपके घर में कोई बड़े हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, ऊँचा सुनते हैं, तो उनकी मशीन यही मशीन लगवा देते हैं जो हियरिंग एड्स हैं, इसलिए लगवा देते हैं क्योंकि उनको फिर वो क्लियर सुनाई देता है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन लिसनिंग, तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ हियरिंग एड्स। अगर कभी सुनने में प्रॉब्लम होती है तो हम हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं, जो हमारी हम तक आवाज़ को क्लियरली पहुँचा सकता है, वो सिग्नल हमें देता है जो हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एड्स। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लो किसी बेल पर किसी ने कोई चीज़ को मारा तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ईयर तक आती है। लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड द सरफेस ऑफ अ सॉलिड लिक्विड एंड द फ्लो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है जिस तरह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल ऐसे ही साउंड भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब जितना एक एंगल ऑफ इंसिडेंट आके मतलब किसी चीज़ पर पड़ रहा है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी तरफ आता है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इन द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, तो जो बेल की आवाज़ आई वो यहाँ ही और टकरा के वो हम तक आ गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो इसका मतलब साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है जस्ट लाइक अ लाइट। एक्टिविटी टेक अ टू पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ, दो पाइप सेम लेंथ के ले लेंगे आप, उसको अरेंज करेंगे एक टेबल पे नियर अ वॉल और अ मेटल प्लेट, वॉल पे या फिर मेटल की प्लेट पर। कीप अ क्लॉक नियर द ओपन एंड्स ऑफ वन पाइप, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हो कि क्लॉक साइड में रखी हुई है, एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द पाइप। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि घर में भी अगर आपकी क्लॉक है और आप बैठे हो तो आपको सुनाई देगी उसकी टिक टिक की आवाज़, अगर रूम में बिल्कुल शांति हो रही होगी तो आपको क्लियरली सुनाई देगी कि आपकी जो वॉच है, आपकी जो क्लॉक है, उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो हमें सुनाई देती है। तो कह रहे हैं आप इस पाइप के पास इसको रखोगे और इसकी आवाज़ आप सेकंड वाले पाइप में क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है साउंड। नाउ द मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्शन देन लिफ्ट द सेकंड पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड। ठीक, इट विल बी सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ऐसा होगा तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अगर आप किसी बैल को यहाँ रखोगे और उसको आप हल्के से हिलाओगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर सुनाई देगा। ये हम पिकनिक गए थे साइंस सिटी, तो जो बच्चे हमारे साथ गए थे उनको पता है इसका रिफ्लेक्शन के बारे में, जिस तरह से हम एक साइड पर आवाज़ कर रहे थे तो आवाज़ हमें दूसरी साइड पर सुनाई दे रही थी जबकि वो सॉलिड मटेरियल था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड जो है वो भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड, मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट, शहनाइज, ETC आर डिज़ाइन टू सेंड साउंड बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों से भी साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। जो डॉक्टर है वो साउंड सुनते हैं ह्यूमन बॉडी से, किसकी हेल्प से? स्टेथोस्कोप की हेल्प से। ठीक, द साउंड ऑफ हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जनरली द सीलिंग ऑफ सिनेमाज हॉल एंड ऑडिटोरियम्स आर कवर्ड सो दैट द साउंड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल द पार्ट्स ऑफ द हॉल। जो साउंड है हॉल में वो सारे पार्ट्स में सुनाई देती है, क्योंकि वो भी क्या एक तरीके का रिफ्लेक्शन है। Sometimes a curved sound board is placed behind the stage so that the sound after multiple reflection is spread evenly across the hall. आपने देखा होगा जो हॉल है उसमें पूरे हॉल में आवाज़ गूंजती है, तो पूरा का पूरा वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सोनार आपकी साउंड नेविगेशन है एंड रेंजिंग है। इट हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर इंस्टॉल इन अ शिप्स। सोनार जो है एक तरीके का डिटेक्टर है, जो कि कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है? शिप्स में इंस्टॉल किया जाता है। ये ट्रांसमीटर्स जो है प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स विच ट्रेवल्स थ्रू द वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट इन द सी दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द डिटेक्टर्स। अगर कोई भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, अगर आगे उसको किसी चीज़ के साथ वो स्ट्राइक हो जाता है या किसी चीज़ के साथ आगे वो टकराने वाला है, तो वो डिटेक्टर को बता देता है कि आगे क्या है, आगे खतरा है। ठीक है, डिटेक्टर को बताता है। तो सुनार जो है, मैंने आपको कल बताया था, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। तो जो ये आपका सुनार होता है, ये पता लगा लेता है अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से कि आगे जो है वो खतरा है, तो वो उस डिटेक्टर को बता देता है कि आगे जाने में ये प्रॉब्लम आने वाली है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर एंड टाइम टेकन बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। बस जो ट्रांसमिशन होता है वाटर में साउंड का, उसकी वजह से उनको इतना टाइम मिलता है कि वो अपनी जो गाड़ अपना जो शिप है उसको क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि साउंड ट्रैवल कर रही है पानी में, तो कम डिस्टेंस पर होगी तभी वो हम तक पहुँच गई, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वहाँ से निकल रही थी तो वो हम तक पहुँच गई। तब तक हमने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, और हम उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो सुनार जो है एक तरीके का क्या है, डिक्टेटर है, जो हमें बताता है कि हमें आगे मूव करना चाहिए या नहीं। और ये कहाँ होता है, ये शिप्स में ही होता है। ट्राई दिस, पुट योर फिंगर ऑन योर नेक एंड से आह एज लाउड एज यू कैन। मतलब आपको ये फिंगर अपने गले पर रखनी है, आह बोलना है। नाउ से इट एज सॉफ्ट एज यू कैन, पहले तो ज़ोर से बोलना है, आफ्टर दैट यू कैन से इट एज सॉफ्ट एज यू कैन, मतलब आराम से बोल सकते हो आप। यू कैंट ओनली हियर द साउंड बट यू कैन फील द वाइब्रेशन इनसाइड योर थॉट। आप सिर्फ साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप उस वाइब्रेशन को भी सुनोगे जो कि आप जो है आपके गले पर आपको प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल्स करती है। साउंड पासिस थ्रू द मीडियम एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड है वो ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। व्हेन द वाइब्रेशन आर फास्ट यू हेयर अ हाई पिच। जब वाइब्रेशन तेज़ होगी तो साउंड जो है वो हाई पिच में मूव करेगी, और जो साउंड जब स्लो होगी तो वो लो पिच में मूव करेगी। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था हाई पिच और लो पिच का, कि साउंड जब जितनी उसकी क्या होगी वाइब्रेशन होगी वो उतनी तेज़ी से हाई पिच प्रोड्यूस करेगी, और जितना उसका वाइब्रेशन कम होगा उसकी लो पिच होगी। जो हाई पिच होती है वो बेबी चाइल्ड में होती है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत तेज़ हाई पिच होती है और उनके बाद हमें बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है, और अडल्ट में रहती है लो पिच, तो इनकी साउंड क्या रहती है, हमें हल्की ही सुनाई देती है। जैसे अगर कंपेयर आप लड़के लड़की का करोगे तो लड़कियों की में हाई पिच साउंड होती है, मतलब उनकी आवाज़ थोड़ी सी फीकी सी होती है। लड़कों की जो होती है लो पिच होती है, जो थोड़ी सी भारी सी होती है। ठीक, हाई पिच इज इक्वल टू हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो पिच इज इक्वल टू लो फ्रिक्वेंसी। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको एक मीडियम चाहिए जो कि वो ट्रैवल कर सकें। सॉलिड में भी करते हैं, लिक्विड में भी करते हैं, और गैस में भी करते हैं, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक, सस्पेंड एन इलेक्ट्रिकल बेल इन अ एयर टाइट बेल जार, कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप। इफ द स्विच इज प्रेस्ड वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल। हम बेल की साउंड सुनेंगे अगर हम उसको क्या रखेंगे, बेल जार के अंदर भी रखेंगे। तो वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप है वहाँ पर। इफ एयर इज अ पंप आउट थ्रू द वैक्यूम पंप वी कांट हियर द साउंड ऑफ द बेल। अगर जो एयर इज पंप्ड आउट थ्रू द वैक्यूम पंप, अगर हवा जो है वो वैक्यूम पंप के थ्रू निकल रही है तो हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। दिस शो दैट द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये बताता है कि साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है मीडियम में, ना कि किसी वैक्यूम में। ठीक, हेल्थ इफेक्ट्स। अब जो हमारे ऊपर इफेक्ट्स कैसे पड़ते हैं
तो देर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन नॉइज़ एंड हेल्थ. आपको अभी बताया कि जो हेल्थ है उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, नॉइज़ पोल्यूशन ऐसे ही चलता रहेगा. साइकोलॉजिकल भी हमारी हेल्थ में डिस्टर्ब होगा, हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, हेयर लॉसिंग भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, लैक ऑफ स्लीपनेस, मतलब हमें नींद भी नहीं आएगी. काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा जब हमें ये सब नॉइज़ पोल्यूशन का ज़्यादा दिक्कत आएगी. तब डिप्रेशन में भी जाते हैं, पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं जब ज़्यादा शोर शराबा होता है. तो सॉल्यूशन क्या है नॉइस पॉल्यूशन का, कि हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स और बुशेस को लगाना चाहिए अराउंड द जनरेटिंग सोर्सेज इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर नॉइस पॉल्यूशन. रेगुलर सर्विसिंग एंड टर्निंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टली रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशन. बिल्डिंग कैन बी डिजाइन विद अ सुटेबल नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल फॉर द वॉल्स, विंडोज एंड सीलिंग्स. वर्कर्स शुड बी प्रोवाइड विद इक्विपमेंट सच एज अ प्लव एंड ईयर मफ्स फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन. जो वर्कर्स हैं उन सबको भी ये सब चीज़ें देनी चाहिए, जैसे ईयर प्लग्स वगैरह हो गए जो उनकी कानों की प्रोटेक्शन कर सके जब वो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हों तब भी. और जो ऑब्जर्विंग मटेरियल है वॉल्स विंडो एंड सीलिंग्स के लिए वो भी सुटेबल की होनी चाहिए, नॉइज़ ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए. प्लांट्स लगाने चाहिए आसपास, क्योंकि प्लांट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को. ठीक है, दिस इज़ योर कम्प्लीट चैप्टर 13 साउंड. थैंक यू क्लास.